सब्सक्राइब कीजिए एमडीएम टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से Realme UI 4.0 एंड Android 13 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अगर आपके पास भी एक Realme का स्मार्टफोन है और उसके अंदर Realme UI 4.0 एंड Android 13 का अपडेट है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हो, जैसे मैं अपने फोन के ऐप ड्रावर को ऑन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, जो मुझे अपने फोन को यूज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके साथ साथ जब भी मैं अपने फोन पर किसी से ऑडियो कॉल पर बात करता हूँ और उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ, ऐसे में गूगल डायलर सामने वाले बंदा को अनाउंसमेंट करके बता देता है कि भाई मैंने अपने फोन पर ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूं। तो ऐसे में सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि भाई मैं अपने फोन पर रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया हूं। तो इससे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सिर्फ इतना नहीं गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से Realme फोन के ऑफिशियल डायलर भी शेयर करने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप अपने फोन पर इनकमिंग कॉल के दौरान EDGE लाइटिंग का भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको ये सभी फीचर के बारे में जानना है तो आज की वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। और अगर आपके फ्यूचर में डेफिनेटली ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पे जरूर से प्रेस करके जाना, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं फर्स्ट फीचर की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपने फोन पर जब भी कोई ऐप को ऑन करता हूं तो इसको ऑन होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब मैं बेगा के कोई दूसरे ऐप को ऑन करता हूँ तो आप ये भी देख सकते हो, जब भी मैं कोई ऐप्स को ऑन करता हूँ तो ऐप को ऑन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, यानी मेरा फोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है, जिसकी वजह से इसका टचिंग स्पीड एनिमेशन वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करता है। इतना नहीं गाइस, अगर मैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग को ऑन करके यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करने जाऊँगा, बैकग्राउंड ऐप को, तो मुझे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अपना फ़ोन स्लो वर्क करता है। अगर आपका ये फ़ोन बहुत ही स्लो है और आप उसको फर्स्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इसके लिए दो टिप्स देने वाला हूँ। आप मेरे इस टू स्टेप को फॉलो करके अपने फ़ोन को ईजिली फर्स्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसके लिए आना है सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अबाउट डिवाइस। इसको क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्वाइप अप आपको करना पड़ेगा। नीचे के साइड में आपको देखने को मिल जाएगा वर्जन। वर्जन पर क्लिक करो, फिर आपके यहाँ पर ए वाला पेज देखने को मिल जाएगा। ऊपर के साइड में आपको मिलेगा बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर भी आपको 7 से लेकर 10 टाइम तक इस तरह से कंटिन्यू प्रेस करना है, फिर आपके फोन पर डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा बैक आना है, उसके बाद आपके यहाँ पर मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग को क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पर नीचे को स्वाइप अप कर लेना है। नीचे के सेट में आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, इसको क्लिक करो, देन आपके यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर एक 3 एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। ये तीनों जो एनिमेशन स्केल है इसको आपको एक एक करके प्रेस करना है एंड आपको यहाँ पर 0.5x पे कर लेना है, ठीक है। तो आपका बाय डिफॉल्ट में 1x पे होता है, तो आपके यहाँ पर 0.5x पे कर लेना है ये तीनों एनिमेशन को। उसके बाद जैसे करके आप फाइनली आ जाओगे बैक, तो आपका फोन काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, जब भी मैं कोई ऐप्स को ऑन करता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट वर्क करता है और आपका जो फोन है वो ईजिली फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको अपने फोन पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, फिर आप यहाँ पर स्लाइड करने पर ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करो, देन आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐप एनिमेशन स्पीड। इसको क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट एंड मीडियम। तो हो सकता है कि आपके फोन पर 3 ऑप्शन भी देखने को मिले, तो आप यहाँ पर इसको फर्स्ट पे कर लेना है, ठीक है। ऐप स्पीड एनिमेशन को फर्स्ट पे कर लेना है। आपको ये दो सेटिंग करने के बाद आपका फोन इजीली प्रॉपरली तरीके से फर्स्ट वर्क करेगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फीचर की, तो जैसे ही मैं अपने फोन के ऐप ड्राइवर को ऑन करता हूँ तो मेरे फोन पर ऑटोमेटिकली सर्च बार ऑन हो जाता है और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलता है। अगर आप इन दोनों ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पर मैनेज पर क्लिक कर देना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे के साइड में मिलेगा ऐप ड्राइवर सेटिंग। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जितने भी ऑप्शन शो होगा आप यहाँ पर ये सभी को एक एक करके डिसेबल कर लेना है। आपका बाय डिफॉल्ट में ये सभी ऑप्शन इनेबल होते हैं, तो आपको डिसेबल कर लेना है। उसके बाद फाइनली आपको आना है बैक। उसके बाद जब भी आप अपने फोन के ऐप ड्राइवर को ऑन करोगे तो आप यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे व्हाट्सएप पर कोई बंदा मैसेज करता है, फिर उसको डिलीट फॉर एवरीवन करके उन सारे मैसेजेस को डिलीट कर देता है, तो ऐसे में हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमारे फोन पर कौन कौन सा मैसेज आया हुआ था। अगर आप भी डिलीट किए हुए मैसेज को रिकवर करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो इसके लिए मैं कोई बेसिक से सिंपल से मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपको सेटिंग ऑन करना है, फिर आपको नीचे के साइड में मिल जाएगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। इसको क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मोर सेटिंग्स। इसको क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे के साइड में आपको मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री। यहाँ पे आपको आके ये वाला नोटिफिकेशन हिस्ट्री को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपके फोन पर जो भी मैसेज आया होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सभी आपको यहाँ पर इस हिस्ट्री पर देखने को मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे फोन पर बहुत सारे जो है मैसेज मैंने डिलीट किया था एवरीवन करके, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। मेरा
व्हाट्सएप पर ये सारे मैसेज किए गए थे जो मैंने खुद से ही एवरीवन करके डिलीट किए। तो आप इस फीचर को इनेबल करके आपके डिलीट किए हुए व्हाट्सएप मैसेजेस को आप आसानी से डिलीट कर सकते हो। अभी बात करूं नेक्स्ट फीचर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मेरे फोन पर फिंगरप्रिंट लॉक सेट है। तो जैसे मैं अपने फोन के फिंगरप्रिंट को टच करूंगा तो मुझे यहाँ पर फिंगरप्रिंट साउंड भी यहाँ पर सुनने को मिलता है। अगर आप भी अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट साउंड को इनेबल करना चाहते हो तो जब भी आप अपने फ़ोन को लॉक से अनलॉक करोगे फिंगरप्रिंट को टच करके, तो ऐसे में आपके यहाँ पर एक साउंड भी सुनने को मिलेगा। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग पर आना है, फिर आपको नीचे के साइड में मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। इसको क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे के साइड आपको आना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा हार्पिक्स एंड टोन्स। इसको क्लिक करने के बाद आपको इसके सबसे नीचे के साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड। ये आपका बाय डिफॉल्ट में हो सकता है आपको डिसेबल हो, इसको आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद जैसे ही आप अपने फ़ोन को लॉक से अनलॉक करते हो फिंगरप्रिंट एनिमेशन टच करके, तो ऐसे में आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन के भी साउंड देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो ये सभी साउंड को चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको सेटिंग पर आना है, फिर से आपको जाना है वॉलपेपर स्टाइल। इसको क्लिक करने के बाद जो आपका फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड है इसको यहाँ पर क्लिक करना है, फिंगरप्रिंट एनिमेशन को। फिंगरप्रिंट एनिमेशन को क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के एनिमेशन चेंज करते हो तो आपको यहाँ पर अलग अलग एनिमेशन भी सुनने को मिल जाएगा। तो आप इस तरह से अपने फोन के फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड को इनेबल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट फीचर की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल से अपने फोन से बहुत सारे सिस्टम ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें ये पता नहीं चल पाता कि भाई हमारे फोन पर जो सिस्टम से कौन कौन से ऐप्स हमने डिलीट किए, और ना ही उसको रिकवर कर पाते हैं। अगर आप भी डिलीट किए हुए सिस्टम ऐप्स को रिकवर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपल से सेटिंग पर आ जाना है। उसके बाद आपके ऊपर नीचे के साइड में मिल जाएगा ऐप्स, इसको क्लिक करो, फिर आपके ऊपर देखने मिल जाएगा रिकवर सिस्टम ऐप। इसको क्लिक करने के बाद आपने अपने फोन से जो भी सिस्टम ऐप को डिलीट किया हो अनइंस्टॉल किए हो आपको वो भी आपको यहाँ पर एक एक करके देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो ये सभी को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फोन पर कुछ एप्स ऐसे भी होते हैं जिनका हम कभी भी यूज नहीं करते और हम उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम उस ऐप को क्लिक करके यहाँ पर ऐप इन्फो पे आते हैं डिलीट करने के लिए, तो हमें यहाँ पर कोई भी डिलीट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में हम इन सभी ऐप्स को कैसे डिलीट करें, तो इसके सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ। आप जिन सभी ऐप्स को अपने फ़ोन से डिलीट करना चाहते हो, अनइंस्टॉल करना चाहते हो, आपको एक बार उस ऐप्स को क्लिक करके रखना है, फिर आपको यहाँ पर आ जाना है ऐप इन्फो पे। ऐप इन्फो पे आने के बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिसेबल। आपके फ़ोन पर हो सकते हैं कि अनइंस्टॉल का ऑप्शन ना आता हो, लेकिन आपको डिसेबल का ऑप्शन ज़रूर आता होगा। आपको यहाँ पर वो सभी ऐप्स को डिसेबल कर लेना है। डिसेबल ऐप पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपने फ़ोन का जो स्क्रीन पासवर्ड है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो ए वाला गूगल डायलर है यहाँ पर मैंने इसको डिसेबल कर दिया। तो जैसे ही आप उन सभी ऐप्स को डिसेबल कर देते हो तो आपके फ़ोन के होम स्क्रीन पर वो सारे ऐप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिर जब आप डिसेबल ऐप्स को इनेबल करना चाहते हो तो डिसेबल ऐप्स को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग पर आना है। ऐप्स पर जाने के बाद आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डिसेबल ऐप। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर जितने भी ऐप्स आपने डिसेबल किए होंगे वो सभी आपको यहाँ पर इस पेज के अंदर डिसेबल ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो फिर से उसको दोबारा यहाँ से क्लिक करके इनेबल भी कर सकते हो। इनेबल करने के बाद आपको वो ऐप्स दोबारा से आपके होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं अभी बात करूँ नेक्स्ट फीचर की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट करने के लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं, तो ऐसे में हमारे फ़ोन पर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। ऐसे में अपने फ़ोन को पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट नहीं कर पाते। अगर आपके फ़ोन पर भी पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखने पर अगर आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है तो आपको पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंपल सा प्रोसेस है। आपका जो पावर बटन एंड ऊपर के साइड जो आपका वॉल्यूम बटन है जिससे आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो, आपको ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। उसके बाद होगा यह कि आपके फ़ोन पर रिस्टार्ट एंड पावर ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ पावर बटन से प्रेस एंड होल्ड करके पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपल सा सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सर्च करना है पावर बटन। पावर बटन जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पावर बटन मेन्यू। इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके फ़ोन पर जो है वॉइस असिस्टेंट पर आपको सिलेक्ट होगा। इसको अनसिलेक्ट करके आपको पावर मेन्यू पर कर लेना है। अब जैसे ही पावर मेन्यू पर करोगे तो आप जैसे अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हो तो आपको यहाँ पर पावर ऑफ एंड रिस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट फीचर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो
अब मेरे फ़ोन पर ऑलरेडी स्क्रीन रिफ्रेश रेट ऑन है। अगर आप अपने फ़ोन पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट को ऑन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर आपके यहाँ पर सर्च करना है रिफ्रेश रेट। अब जैसे ही अपने फ़ोन पर रिफ्रेश रेट टाइप करते हो तो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शो स्क्रीन रिफ्रेश रेट। इसको क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा शो स्क्रीन रिफ्रेश रेट का, तो आपको यहाँ पर इसको आके इनेबल जरूर से कर लेना है। अगर आपके सामने डेवलपर ऑप्शन के यहाँ पर कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, अगर आपके यहाँ पर शो स्क्रीन रिफ्रेश रेट का कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो आपको इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पर आने के बाद जो है आपको नीचे के साइड में आने के बाद अबाउट डिवाइस पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा ऊपर स्वाइप अप करने के बाद आपको वर्जन मिलेगा, इसको प्रेस करने के बाद आपको ऊपर के साइड में बिल्ड नंबर मिलता है, तो बिल्ड नंबर को आप पर 7 से यहाँ पर 10 टाइम ऐसे कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। फिर आपको यहाँ पर आपके फ़ोन पर डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद आप यहाँ पर ईजिली इसको सर्च कर सकते हो दोबारा से रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर शो रिफ्रेश रेट पर क्लिक करके आप यहाँ से स्क्रीन का रिफ्रेश रेट को इनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बात करूँ लास्ट फीचर की, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो जैसे ही मेरे फ़ोन पर किसी का इनकमिंग कॉल आता है तो ऐसे में मुझे यहाँ पर EDG लाइटिंग का शो हो जाता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रो लेवल का दिखता है। लेकिन अगर आप भी अपने फ़ोन पर इनकमिंग कॉल के दौरान EDG लाइट को अप्लाई करना चाहते हो अपने रियलमी के फ़ोन पर, तो इसके लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस आपको सेटिंग पर आ जाना है। वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे के साइड में मिल जाएगा EDG लाइटिंग। अब जैसे ही EDG लाइटिंग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 अलग अलग टाइप का कलर शो हो जाएगा, लेकिन ये जो कलर है सिर्फ और सिर्फ आपके नोटिफिकेशन ही टाइम पर वर्क करेंगे। इनकमिंग कॉल पर जैसे आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे फ़ोन पर ऑलरेडी ऑल्सो अप्लाई टू इनकमिंग कॉल का ऑप्शन है और मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है, यानी जब भी मेरे फ़ोन पर किसी का इनकमिंग कॉल आएगा तो ऐसे मुझे EDG लाइटिंग का जरूर शो होगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन पर ये वाला ऑप्शन नहीं है EDG लाइटिंग को इनकमिंग कॉल के दौरान अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। बेसिकली जो आपके फ़ोन पर गूगल डायलर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ़ोन पर ऑलरेडी गूगल डायलर है, तो आपको गूगल डायलर को रिप्लेस करना पड़ेगा रियलमी ऑफिशियल डायलर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ़ोन पर गूगल डायलर भी है एंड रियलमी का ऑफिशियल डायलर भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आपको कैसे रिप्लेस करना है आपका रियलमी डायलर से, तो सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको पिन कमेंट में रियलमी ऑफिशियल डायलर का लिंक दे दिया हूँ, आपको वहाँ से जाके रियलमी ऑफिशियल डायलर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई भी एप्स को ऑन नहीं करना है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद फिर से आपको जाना है एप्स पे। एप्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट ऐप, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऐप जब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर जो फ़ोन ऐप होगा इसको क्लिक करना। करने के बाद आपका बाय डिफ़ॉल्ट में होगा ये कि आपके फ़ोन पर जो नॉर्मल सा गूगल डायलर होता है उसी पर ही सिलेक्ट होगा, तो आप यहाँ से अनसिलेक्ट करके जो आपने रियलमी का ऑफिशियल डायलर इंस्टॉल किया उस पर सिलेक्ट कर देना। उस पर सिलेक्ट कर देने के बाद फाइनली आपको आ जाना है बैक। उसके बाद जैसे ही आकर के आप यहाँ पर अपने फ़ोन पर चेक करते हो वॉलपेपर स्टाइल पर आके EDG लाइटिंग को, तो आपके फ़ोन पर ऑल्सो अप्लाई टू इनकमिंग कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद जब भी आपके फोन पर किसी का इनकमिंग कॉल आता है तो ऐसे में यहाँ पे आपको EDG लाइट देखने को मिल जाएगा। रियलमी का ऑफिशियल डायलर को इंस्टॉल करने के बाद जब भी आप अपने फोन से इसको यूज करते हो एंड यहाँ पे किसी के साथ ऑडियो कॉल पर बात करके ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करते हो, तो ऐसे में जो आपका कॉलिंग अनाउंसमेंट वाला प्रॉब्लम था वो भी आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि रियलमी ऑफिशियल डायलर के अंदर आपको कोई भी कॉलिंग अनाउंसमेंट का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल डायलर पर ही कॉलिंग अनाउंसमेंट वाला प्रॉब्लम दिखता है। फिर आप चाहो तो ये जो गूगल डायलर आपके फोन पर जो बाय डिफॉल्ट में देखने को मिलता है, अगर आप चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आप डिसेबल कर दोगे तो आपके फोन के होम स्क्रीन पर कोई भी गूगल डायलर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सभी थे रियलमी वाई 4.0 एंड एंड्रॉइड वर्जन 13 के जो टिप्स एंड ट्रिक जो मैंने आपसे शेयर किया। होपफुली कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो फिर एक लाइक कर देना। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पर जरूर से प्रेस कर देना, ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।